नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। टिकट देने को लेकर विजय बैंसला का विरोध, बीजेपी ने देवली उनियारा से बनाया है उन्हें उम्मीदवार। नाराजगी जताने के लिए कार्यकर्ता देवली उनियारा से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जयपुर में कार्यकर्ता नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। आप देख पाएंगे किस तरीके से टिकट देने को लेकर विजय बैंसला का विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर तमाम जो लोग आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। बीजेपी ने देवली उनियारा से उम्मीदवार बनाया है विजय बैंसला को और अब नाराजगी जताने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो देवली उनियारा से जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। जयपुर में कार्यकर्ता नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि विजय बैंसला को दरअसल यहां पर टिकट दिया गया है देवली उनियारा से और इसी का विरोध कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता जो कि जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं और यहां पर वो नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। तो देखिए, कल बीजेपी ने अपनी 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर नए चेहरों पर बीजेपी ने दाव खेला है। कई ऐसे सांसद बताए जा रहे हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इन सब के बीच में विजय बैंसला को देवली उनियारा सीट से यहां पर उतारा गया है बीजेपी की ओर से। और जब से यहां पर उम्मीदवार के तौर पर विजय बैंसला को उतारा गया है उसके बाद से ही ये तस्वीर इस रूप में बनती नजर आ रही है कि जो कार्यकर्ता हैं वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और टिकट देने का वो विरोध कर रहे हैं और अब ये अपनी बात जयपुर में नेतृत्व के सामने रखेंगे। जयपुर के लिए तमाम कार्यकर्ता देवली उनियारा से रवाना हो रहे हैं। तो नारेबाजी कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता, नाराजगी के सुर भी उठते हुए इस रूप में नजर आ रहे हैं। बात कर ले जाए भरतपुर के नगर सीट की, तो यहां पर भी आपने देखा किस तरीके से अनिता सिंह गुर्जर ने यहां पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने नाराजगी जाहिर की है। और आप देखिए, विजय बैंसला को जब देवली उनियारा सीट से उतारा गया चुनावी मैदान में तो जो कार्यकर्ता है वो अपने नाराजगी जता रहे हैं, विजय बैंसला का विरोध कर रहे हैं टिकट देने को लेकर। तो जयपुर के लिए रवाना हो चुके तमाम कार्यकर्ता यहां पर नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। तमाम कार्यकर्ता जो कि आपको नजर आएंगे इन तस्वीरों में नारेबाजी कर रहे हैं, नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, टिकट देने को लेकर ये विरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। तो हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, ऐसी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता हैं तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और जयपुर के लिए ये रवाना हो रही हैं जहाँ पर नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। तो बैंसला के खिलाफ बगावत इस रूप में सामने आ रही है कि टिकट देने का विरोध कर रहे हैं ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि नाराज नजर आ रहे हैं। तो विजय बैंसला को चुनावी मैदान में उतारा गया देवली उनियारा सीट से। अब से कुछ देर पहले आपने विजय बैंसला को हमारे साथ सुना भी, वो मौजूद रहे, हमसे बातचीत भी की है और मेरे सहयोगी रवीश टेलर का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। मेरे साथ लाइव मौजूद हैं रवीश से हम जानते हैं कि रवीश, क्योंकि विजय बैंसला को देवली उनियारा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है और टिकट देने का विरोध कर रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता, क्या कह रहे हैं, क्यों इनकी तरफ से विरोध दर्ज कराया जा रहा है? देखिए मनी, टोंक के अंदर जो है देवली उनियारा सीट है, इस पर विजय बैंसला के नाम की घोषणा के साथ ही जो है स्थानीय और बाहरी का मुद्दा कहीं ना कहीं गर्म हो गया है। ये जो तमाम जो कार्यकर्ता है जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद है, इनका विरोध है इस बात को लेकर कि हम बाहरी और पैराशूट उम्मीदवार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछले 5 साल के अंदर बाहरी हरीश मीणा जो कांग्रेस से विधायक है उनको हमने देखा है, वो इस क्षेत्र में नहीं रहे, कभी कभार आए हैं और घूम कर चले गए। तो ऐसी सूरत में इन सभी कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि हमारी यही चाह है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहे किसी को भी लड़ाए लेकिन स्थानीय उम्मीदवार को जो है टिकट दे पार्टी, क्योंकि बाहरी व्यक्ति जो है पैराशूट से आते हैं, जीत के चले जाते हैं,
क्षेत्र की जनता से उनका कोई लगाव नहीं होता, तो उस सूरत में जो है सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, जो लगभग 105 किलोमीटर का जो क्षेत्र है देवली उनियारा का, वहां से आज टोक होकर जयपुर के लिए कूच किए हैं, भाजपा के प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं और प्रदेश नेतृत्व के सामने ये अपनी बात रखेंगे कि हम किसी भी सूरत में पहाड़ी को जो है उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, नहीं बनने देंगे। अगर ऐसा होता है तो पार्टी जो है इस सीट को हार सकती है, क्योंकि विजय भेसला का जो है इस क्षेत्र से किसी तरह का कभी कोई संपर्क नहीं रहा है। रमेश बिधूड़ी के बयान की बात कर लूं यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कि बाहरी वर्सेस स्थानीय की लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है और इसी का विरोध कर रहे तमाम कार्यकर्ता, जो तस्वीरें सामने आ रही, नारेबाजी कर रहे हैं और ये जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं, नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। रमेश बिधूड़ी ने एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं पायलट को लेकर कि विजय बैंसला को लेकर उन्होंने कहा कि बैंसला तो राजस्थान के ही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो लोग तो कम से कम राजस्थान के हैं, लेकिन पायलट वो राजस्थान के रहने वाले कहाँ हैं? जी बिल्कुल, जो है रमेश बिधूड़ी उनियारा में जब कल बैठक ले रहे थे तो उस समय जब उनसे एक सवाल किया गया था तो उनका यही कहना था कि पायलट बाहरी है, विजय भेसला बाहरी नहीं है। लेकिन अब जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि भले ही हमारे नेता कुछ भी कहे, प्रभारी कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत यह है कि हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, न कि जो है हमारे क्षेत्र को चरागाह बनना देना चाहते हैं। तो जो रूठे कार्यकर्ता हैं इनको कैसे मनाया जाएगा? ये भाजपा का नेतृत्व तय करेगा कि इनको किस तरह मनाया जाता है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की फोर्स थी जो लगभग ये कह सकते हैं कि 50 से अधिक वाहनों के अंदर जो है जयपुर के लिए रवाना हुए हैं, 500 से अधिक कार्यकर्ता आज जो गए हैं। और इनको ये भी, इनका ये भी कहना है कि क्षेत्र के अंदर भी विरोध हो सकता है, आज हम अपनी बात जो है प्रदेश नेतृत्व के सामने रखेंगे और अगर हमारी बात की सुनवाई नहीं होती है तो भविष्य के अंदर जो है हम जो है इस विरोध को और प्रखर करेंगे। क्या कार्यकर्ताओं की ओर से ये कहा गया है कि हम इस नेता को चाहते हैं कि भाई आप इन्हें चुनावी मैदान में उतारिए, ऐसा कोई इनकी तरफ से अभी कहा जा रहा है कि कुछ? इनकी तरफ से कोई नाम तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो आखिरी चुनाव राजेंद्र गुर्जर ने जो लड़ा था उसके समर्थक इस भीड़ के अंदर ज्यादा थे राजेंद्र गुर्जर के, और लोगों का ये मानना है कि राजेंद्र गुर्जर जो पिछले बार MLA थे, जब 2013 से जो 18 तक का जो उनका कार्यकाल था उसमें जो उन्होंने जो संपर्क बनाया एक वो विश्वास जीता जनता का, तो जनता क्षेत्र की ये चाहती तो है कि राजेंद्र गुर्जर को चुनाव लड़ा जाए, लेकिन अभी जो है साफ तौर पर नाम नहीं ले रहे हैं। इनका यही कहना है कि हमारी जो सुनवाई होनी चाहिए, हमारे बीच का कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, कितनी संख्या में कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं विजय बैंसला को टिकट देने का, और क्या लगता है कि नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी पड़ती नजर आ सकती है क्या? रवीश देखिए मनीष, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है इस पे तो विरोध जो है उनके टिकट की घोषणा के साथ ही हो गया था, लेकिन आज जो अभी जो है 500 से अधिक की संख्या में जो है जयपुर के लिए कूच कर चुके कार्यकर्ता, और ये कार्यकर्ता जो है वहां संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरह उनियारा का जो क्षेत्र है एक डूब क्षेत्र है, वो पंचायत जो है डूब क्षेत्र में आती है और वो केकड़ी से भी जो है सीधे जो है टोडा राय सिंह मालपुरा होकर जो है लोग जयपुर पहुंचे हैं, तो उस सूरत में हो सकता है प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर जो है अभी कुछ घंटे बाद जो है बड़ा प्रदर्शन देखने को मिले स्थानीय बाहरी वाले मुद्दे पर। ठीक है रवीश, आगे इस मामले में क्या तस्वीर बनती हुई नजर आएगी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि विजय बैंसला को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और अपनी बात अब ये जयपुर जाकर नेतृत्व के सामने रखेंगे। तो सवाल ये है कि क्या अब रूठे हुए कार्यकर्ताओं को बीजेपी की ओर से मना लिया जाएगा?